एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं पंजाब का पेपर जो कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कंडक्ट हुआ था। 5 नवंबर को पेपर है जो कंडक्ट करवाया गया था। पेपर में टोटल 140 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन पंजाबी लैंग्वेज में थे। और जो पंजाबी मुझे पढ़नी नहीं आती है, बट मैंने पेपर को यहाँ पर अटैच कर दिया है। जो पंजाबी लैंग्वेज वाला सेक्शन था, नर्सिंग सेक्शन को है जो आज कवर करेंगे, जिसमें आपके 90 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगे, और जिनके भी अपकमिंग टाइम में जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। चलिए देखते हैं हम कि आपको पेपर कैसा आया था। आप लोग कमेंट करके चीज़ ज़रूर बताना कि चैनल पर से, या फिर जो आप प्रीवियस पेपर इस चैनल पर से सॉल्व करते हैं आके, उनमें से कितने परसेंट आया था। अकॉर्डिंग टू मी इस पेपर में है जो 85% से ज़्यादा क्वेश्चन इस चैनल की 4 मंथ की क्लास से ही आए हुए हैं। आप चाहे तो प्लीज़ इस पेपर को एक बार ज़रूर देखना। तो यहाँ पर ये जो पंजाबी वाला सेक्शन है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है टोटल यहाँ पर, क्योंकि पंजाबी पढ़ना मुझे नहीं आती। पंजाब का पेपर, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जो जी के जी एस वगैरह ऐड किया जाता है, जब जहाँ के भी एग्ज़ाम होते हैं तो वहाँ की वो पर्टिकुलर लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये रहे यहाँ पर आपके टोटल 50 क्वेश्चन जिनको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। यदि आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वाले पेज का और इस वाले पेज का, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा यदि अपकमिंग टाइम में आप जब भी एग्ज़ाम देते हैं। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से, क्योंकि यहाँ पर ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन से 18 तक, एंड 19th से लेके 34 एंड 35 से लेके 50 तक आपके क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है 51 वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन टू हैव अ रोल इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में घाव भरने में क्या हेल्प करेगा, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। कौन सा विटामिन हेल्प करेगा वुंड हीलिंग में? तो यदि ब्लड क्लॉटिंग का पूछते तब आप क्या कहेंगे, विटामिन के। क्या कहेंगे? यदि ब्लड क्लॉटिंग पूछी जा रही है तो आपको कहना है विटामिन के, लेकिन यहाँ पर वुंड हीलिंग की बात की जा रही है तो वो क्या होगा, विटामिन सी। कौन सा विटामिन होगा? विटामिन सी। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होगा? हाथ धुलते हैं तो क्या ज़रूरी है, साबुन मींस सोप, वाटर, फ्रिक्शन या फिर टाइम, क्या ज़रूरी है? आपके पास साबुन है, पानी है, टाइम है, साबुन हाथ में लगा ली, पानी से धुल लिए, तो क्या मतलब? जब आपने उनको रब ही नहीं किया, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, साबुन लगा के हाथों को रब कीजिए जब वो ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। तो यहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हैंड वॉशिंग का, वो क्या है, फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीक एंड पैथोजन इन टू ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड। तो यहाँ पर वीक पैथोजन इंट्रोड्यूस कराना आपकी बॉडी में क्या कहलाएगा, अटेन्यूएशन, इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो कोई भी वीकेंड पैथोजन आपकी बॉडी में इंजेक्ट कराना, इंट्रोड्यूस कराना, ये क्या कहलाएगा, वैक्सीनेशन। क्या कहलाएगा? वैक्सीनेशन, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर आप वैक्सीन दे रहे। इम्यूनाइजेशन का मतलब ऑल ओवर जो वैक्सीन है वो दे दी, लेकिन यहाँ पर वैक्सीनेशन का मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर की बात की जा रही है, क्या होगा, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन को लेके सही पॉइंट क्या है, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ पैसिव इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन, या फिर वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ नेचुरल पैसिव इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन आपको एग्जाम में क्वेश्चन है जो वैक्सीनेशन से, एमपी वालों का जो पेपर है, वैक्सीन से आपको क्वेश्चन आने हैं, वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन से, तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहने वाले हैं क्वेश्चन। हो सकता आ जाए आपको इनमें से ही एक आध क्वेश्चन। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है वैक्सीनेशन को लेके? वैक्सीनेशन क्या है, एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन मेथड है। वैक्सीनेशन इज अ मेथड ऑफ एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दी फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर।
पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? दो तरीके के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल में आएंगे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। पानी में घुलनशील होंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पूरे विटामिन और विटामिन सी। तो यहाँ पर ऑप्शन में है विटामिन ए, के, डी, सी। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स विटामिन सी है, जो कि एक पानी में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट इज ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं किसी एक को छोड़कर, मतलब दूसरा क्या है, माइक्रो में आ सकता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। किस में आते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। यहाँ पर पेपर में आपको विटामिन बस आया था, बट मैंने ऐड कर दिए इनकेस आप कोई और एग्जाम देते हैं, और यदि आप पेपर देख रहे हैं तो आपके लिए विटामिन्स की जगह मिनरल्स भी दे सकते हैं, जो कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? विटामिन। नेक्स्ट वन, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण क्या हो सकता है? ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, पेलाग्रा या फिर बेरी बेरी। तो बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण होता है रिकेट्स। क्या है रिकेट्स? पेलाग्रा होगा, नियासिन की कमी के कारण। नेक्स्ट इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाइल सॉल्ट इन द बॉडी कॉज, यदि आपकी बॉडी में वाइल है, जो वाइल सॉल्ट क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब आपकी बॉडी को क्या होगा? प्रोराइटिस, प्रोस्टेटाइटिस, सोरियासिस या फिर डर्मेटाइटिस। क्या हो सकता है आपकी बॉडी के लिए यदि आपकी बॉडी में वाइल सॉल्ट का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए? तब कौन सी कंडीशन होगी? सोरियासिस तो एक स्किन कंडीशन है। यहाँ पर जो कंडीशन डेवलप होगी वो होगी प्रूराइटिस। क्या होगी? प्रूराइटिस। एक तरीके से पूरी बॉडी में ईचिंग ईचिंग टाइप से लगेगी आपको, क्या कहलाएगा? प्रूराइटिस। नेक्स्ट इज द ओनली आर्टरी विच सप्लाई डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सी आर्टरी है, क्या है, कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है? पल्मोनरी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी या फिर गैस्ट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करती है? तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करने वाली एक ही आर्टरी है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन है एक ऐसी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट वन, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन टू मोटिवेट एन एलिजिबल कपल फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस। तो यहाँ पर एलिजिबल कपल का मतलब है 15 से 45 साल तक की एज ग्रुप के जो कपल हैं, क्या है, 15 से 45 साल तक की एज ग्रुप के जो कपल हैं वो यहाँ पर एलिजिबल कपल कहलाएंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अडॉप्ट करने के लिए तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, प्रिंटेड मटेरियल दे सकते हैं फैमिली प्लानिंग के ऊपर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर यूज़ ऑफ इंटरनेट। क्या आप मेथड्स बताएंगे कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिस के तौर पर एलिजिबल कपल हैं यदि? एलिजिबल कपल के लिए जो बेस्ट तरीका होगा वो होगा फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें समझाना। क्या है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ों को समझाना। नेक्स्ट वन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन पीरियोडिकली टू प्री स्कूल एंड स्कूल एज चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बच्चों में जो ओरली विटामिन ए है जो दिया जाता है प्री स्कूल और स्कूल एज चिल्ड्रंस को, ये कौन सा एग्जाम्पल है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का, प्राइमरी प्रिवेंशन का, सेकेंडरी प्रिवेंशन की, टर्सरी प्रिवेंशन। कौन सा प्रिवेंशन है? ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए सॉल्यूशन, वो भी इस प्री स्कूल और स्कूल एज में, तो ये कहलाएगा प्राइमरी प्रिवेंशन। क्या है? यह प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट वन, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस फॉर अ पेशेंट विथ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हैज टू बी टेकन अंटिल। तो एयरबॉर्न प्रिकॉशन क्या लिया जाएगा पल्मोनरी टीबी के मरीज के लिए? ट्यूबरक्लिन टेस्ट इज नेगेटिव, द पेशेंट नो लॉन्गर हैज द डिसीज, नो ट्यूबरकुल वैसिलाई प्रेजेंट इन द स्पुटम, पेशेंट टेम्परेचर हैज रिटर्न टू नॉर्मल। यदि किसी मरीज को पल्मोनरी टीबी हुई है, क्या है, पल्मोनरी ट्यूबी हुई है, तो उसके स्पूटम में ट्यूबरकुल बैसिलाई है जो नहीं देखने को मिलेगा।
यहाँ पर कब तक आपको ये प्रिकॉशन लेना है, जब तक उसके जो टेस्ट करेंगे आप, जब तक उसके स्पूटम में क्या है, जब तक उसके स्पूटम में टेस्ट किया जाए तो ट्यूबरकुल बैसिलाई है जो ना मिले, एब्सेंट रहे टेस्ट करने पर, तब तक है जो आपको एयरबॉर्न प्रिकॉशन बरतने होंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कहा गया है कि एयरबॉर्न प्रिकॉशन कब तक बरतना है पल्मोनरी टीबी वाले मरीज को, जब तक उसका जो स्पूटम टेस्ट आप करेंगे उस स्पूटम में ट्यूबरकुल बैसिलाई है जो ना मिले, नो ट्यूबरकुल बैसिलाई, मतलब स्पूटम में ट्यूबरकुल बैसिलाई ना रहे, तब तक है जो आपको एयरबॉर्न प्रिकॉशन बरतने होंगे। सो हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट वन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कंटेंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ORS सॉल्यूशन में सभी चीज़ें होंगी किसी एक को छोड़कर, ग्लूकोज, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl एंड कैल्शियम लैक्टेट, तो लैक्टेट तो नहीं होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन में, लैक्टेट नहीं होगा, तो आंसर आपका क्या होगा, कैल्शियम लैक्टेट। ORS को विद इन 24 आवर ही यूज़ करना पड़ता है, आफ्टर दैट यदि घोल के रखें तो डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट वन, मेट्रोनिडाजोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर, तो मेट्रोनिडाजोल किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन के लिए, एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। मेट्रोनिडाजोल जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस है, किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, तो ये यूज़ की जाती है एन एरोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ इंटसुसेप्शन इन चिल्ड्रन इज, इंटसुसेप्शन का कॉमन है जो बच्चों में सिम्टम क्या है, पेन इन द एब्डोमेन, डायरिया, वॉमिटिंग या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्या होगा बच्चों में इंटसुसेप्शन का जो कॉमन सिम्टम है वो क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पेन इन द एब्डोमेन, क्या है, पेन इन द एब्डोमेन, इंटसुसेप्शन, क्या है, इंटसुसेप्शन। ऐसे केस में क्या होगा कि आपकी जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, एक पार्ट दूसरी इंटेस्टाइन के ऊपर कोलैप्स हो जाए या फिर चढ़ जाए, तो कहलाती है इंटसुसेप्शन की कंडीशन, क्या है, इंटसुसेप्शन की कंडीशन। अब यहाँ पर इस इंटसुसेप्शन की कंडीशन में क्या होगा, एब्डोमेन में पेन होगा। नेक्स्ट वन, सीलियक डिसीज इज ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू, तो सीलियक डिसीज में किसकी सेंसिटिविटी होगी, मिल्क की, वीट की, मैजे की, मीट की। सीलियक डिसीज में जो प्रॉब्लम होती है गेहूं की चीज़ें खाने से, स्पेशली वीट फ्लोर से, किससे, वीट फ्लोर से। नेक्स्ट वन, द ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट जियार्डियासिस, जियार्डियासिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी, मेवेंडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, पिप्रेजीन या फिर बेप्रेनियम, कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी जियार्डियासिस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, तो होगी यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल, क्या है, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट वन, ऑल आर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेप्ट, सभी बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन की मेथड्स हैं किसी एक को छोड़कर, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, डायफ्राम या फिर मालाडी। बैरियर मेथड का मतलब है कि मैकेनिकल और बैरियर, कॉन्डोम बैरियर मेथड में आएगी, डायफ्राम आएगी, लेकिन माला डी, माला एन, पिल्स ये सब नहीं आएंगी। तो यहाँ पर बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव सब है, मेल कॉन्डोम है, फीमेल कॉन्डोम है, डायफ्राम है, लेकिन माला डी नहीं है। नेक्स्ट इज, कैरियर्स आर मोर डेंजरस देन केस बिकॉज दे, तो यह जो कैरियर हैं, जो कैरियर हैं जो किसी भी केस से ज़्यादा डेंजरस हैं, क्यों, इंक्रीज व्यूरुलेंस, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ डिसीज, मोर इन्फेक्शियस, इन्फेक्ट मोर पीपल। जो यहाँ पर केस है वो क्या है, कैरियर ज़्यादा डेंजरस है इस कंपेयर टू केस, जस्ट बिकॉज आपको पता ही नहीं है, मान लीजिए मुझे पता नहीं है कि मुझे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और मैं 10 लोगों में जाके उठ के बैठ के आ जाऊँ, 10 लोगों में उठ बैठ के आ जाऊँ तो उन 10 को भी इन्फेक्शन बांट के आ गए, तो वही चीज़, लेकिन आपको पता ही नहीं है तो क्या है, आप ज़्यादा डेंजरस हैं, दैट मीन्स कैरियर आर मोर डेंजरस देन केस बिकॉज दे इन्फेक्ट द मोर पीपल, ज़्यादा लोगों को आप इन्फेक्ट करेंगे। पता होगा आपको यदि, मतलब आपको कोई भी फीवर, इन्फेक्टेड फीवर हुआ है या फिर सर्दी खांसी जुकाम है,
पता है आप तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको है वो प्रॉब्लम लेकिन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आप दूसरों को वो दे के ज़रूर आ सकते हैं, क्या होगा इन्फेक्ट मोर पीपल। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड विथ रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी इज बेस्ट मॉनिटर्ड विथ। यदि बच्चे को रेस्पिरेटरी इनसफिशियंसी है तो क्या चेक करेंगे आप, रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट, ब्लड गैसेस, पल्स ऑक्सीमीटरी या फिर ब्लड पीएच। ऐसे केस में आप बच्चे का पल्स ऑक्सीमीटर चेक करेंगे जिससे ऑक्सीजन सेचुरेशन पता चलेगी कितनी है या कम है कि नहीं। नेक्स्ट वन, व्हेन द नर्स इज इंसर्टिंग द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड अ होल्डर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट्रेंट्स वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द नर्स टू यूज। यदि आप एनजी ट्यूब लगाते हैं किसमें, टोडलर में, बच्चे की उम्र कम है 3 साल तक की हो सकती है, तो यहाँ पर उसको कौन सा रिस्ट्रेन यूज़ करें, क्योंकि हाथ पैर तो वो चलाएगा ही चलाएगा, मम्मी रिस्ट्रेन, क्लोविज, एल्बो रिस्ट्रेंट्स या फिर जैकेट रिस्ट्रेंट्स, कौन सा रिस्ट्रेंट्स यूज़ करेंगे आप? मम्मी रिस्ट्रेंट्स, जिससे बच्चे को, जो आप बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको जब हॉस्पिटल से आपके लिए हैंडओवर किया जाता है, जैसे वो कवर करके दिए जाते हैं, सेम एज वही रेस्ट्रेंट्स यहाँ पे आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज कॉल्ड। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है, कंटेजियस इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, वाटरबॉर्न इन्फेक्शन है कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन है। तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कहा जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन, अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब मौका देख के फ़ायदा उठाना या मौका देख के चौका मारना कोई भी इन्फेक्शन का आपकी बॉडी में ऑलरेडी वीक है और कोई और बीमारी आके लग जाए वो। नेक्स्ट वन, फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू प्रैक्टिस दैट। तो फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है? अवॉइड अनवांटेड बर्थ, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, रेगुलेट स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसीज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस का मतलब क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस का मतलब है अनवांटेड जो अनचाहे बच्चे होने से रोकना, ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ मतलब जब आप मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली तैयार हो तब बच्चे पैदा करना, और प्रेगनेंसी के बीच में गैप देना, 2.5 साल का गैप देना, 2 साल का गैप देना। तो ये सभी है क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस। तो आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस की कॉमन स्टेज है जो कौन सी? एवैल्यूएशन, असेसमेंट, प्लानिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन। कौन सी है जो स्टेज इम्पॉर्टेंट स्टेज? स्टेज तो सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नर्सिंग प्रोसेस की असेसमेंट फेज, जिसमें आप है जो डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप सही सही डेटा कलेक्ट करेंगे तभी आप है जो इस है जो आपके लिए क्या रहेगा, ये हेल्पफुल रहेगी। अच्छा डेटा कलेक्ट करेंगे तभी आप उसके लिए अच्छे से प्लानिंग, गोल वगैरह डायरेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। गलत जो आपकी ड्यूटी है, जो ड्यूटी क्या है, प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना क्या कहलाएगा? मोरल्स, एथिक्स, ऑनेस्टी या कॉन्फिडेंशियलिटी, ये कहलाएगी कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक होने से बचाना जिससे पेशेंट को भी क्या हो, साई फील करे या कुछ भी, तो इस तरीके से क्या है, प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना कहलाएगी आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी। नेक्स्ट वन, टू प्रोटेक्ट द पर्सन्स पर्सनल स्पेस द नर्स। यदि पर्सन के पर्सनल स्पेस को प्रोटेक्ट करना है तो क्या है? अवॉइड कम्युनिकेशन, इंश्योर द कर्टेंस आर पुल्ड अराउंड पेशेंट बेड, स्टैंड 2 मीटर अवे फ्रॉम बेड, एक्सप्लेन नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर। मान लीजिए किसी पर्सन, कोई पर्सन है जो अपना चेकअप कराने आता है, चेकअप कराने गया, लेकिन उसको एक क्या है, झिझक के अपना चेकअप कराने में, उसको थोड़ा सा जो डाउटफुल लग रहा है, अंदर से साई फील कर रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? कर्टन लगा के पेशेंट का चेकअप करेंगे, 2 मीटर दूर खड़े होकर चेक करेंगे उसको, किया नर्सिंग प्रोसीजर, नर्सिंग केयर बताएंगे आपकी क्या करने वाले हैं आप उसके साथ। तो जब भी आप इवन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में मरीज के पास इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अब आपके लिए हम यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। सेम एज यहाँ पर भी आपको वही करना है कि एक्सप्लेन नर्सिंग केयर एंड प्रोसीजर्स। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड एज सब्जेक्टिव डेटा। इनमें से सब्जेक्टिव डेटा क्या है?
पेशेंट अपीयर स्लीपी, नो डिस्ट्रेस नोटेड, हार्ट रेट 76 बीट पर मिनट, क्लाइंट से सी फील सेंसेशन टेंस। जो मरीज बता रहा है वो होगा सब्जेक्टिव डेटा, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव डेटा। तो यहाँ पर मरीज कहता है कि उसको जो एंजाइटी टाइप से फील हो रही है, टेंशन हो रही है, दैट मीन्स क्या है, सब्जेक्टिव डेटा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए कॉमन क्या कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है, कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस, डायबिटीज मलाइटिस, रीनल फेलियर, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। कॉमन कंडीशन कौन सी रिस्पॉन्सिबल है एमआई के लिए, एमआई होता कब है, ब्लॉकेज की कंडीशन हो, इस्कीमिया की कंडीशन हो, तो यहाँ पर वो होगी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस के कारण, इसके कारण कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस फॉर्मेशन के कारण। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी एम ऑफ ट्रीटमेंट इन हार्ट फेलियर इज टू, तो हार्ट फेलियर वाले मरीज में ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या है, इंक्रीज द वर्क ऑफ द हार्ट प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, रिड्यूस द वर्क ऑफ द हार्ट प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, रिड्यूस द वर्क ऑफ द लंग्स एंड रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हार्ट फेलियर वाले मरीज में क्या है, हार्ट फेलियर वाले मरीज में आपकी जो प्राइमरी गोल होगा हार्ट का प्रीलोड और आफ्टरलोड दोनों को कम करना है, क्या है, रिड्यूस द प्रीलोड एंड आफ्टरलोड। नेक्स्ट वन, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड, यदि सांसों का क्या है, सांसों का ब्रीदिंग का आपकी कम टाइम के लिए स्टॉप हो जाना क्या कहलाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर डिस्निया, ऑर्थोपनिया, एपनिया, फिर ब्रेडिपनिया, क्या कहलाएगा, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग दैट मीन्स क्या है, ये एपनिया, क्या है, एपनिया, डिस्निया में ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, ऑर्थोपनिया में लेटे लेटे सांस लेने में दिक्कत होगी, ब्रेडिपनिया में क्या होगा कि जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रेट है क्या रहेगी, कम रहेगी। नेक्स्ट वन, मिडवे थ्रू अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन अ पेशेंट कंप्लेंट सीवियर बैक पेन, व्हाट शुड द नर्स, तो यहाँ पर यदि मरीज को आप क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज करते करते मरीज के लिए बैक पेन होना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, रीअश्योर द पेशेंट एंड कंटिन्यू द इन्फ्यूजन, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन एंड टेक द वाइटल साइन, इन्फॉर्म द नर्स इन चार्ज, या फिर स्पीड अप द ट्रांसफ्यूजन टू कंप्लीट इट क्विकली एंड लास्ट एडमिनिस्टर एनाल्जेसिया, क्या करेंगे आप। तो यदि ब्लड ट्रांसफ्यूज करते करते मरीज को कमर दर्द होने लगे, बैक पेन स्टार्ट हो जाए अचानक से, तो आपको ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है, वाइटल्स चेक करना है और अपने नर्स इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है, ना तो ट्रांसफ्यूजन को स्पीड करना कि जल्दी से फिनिश हो जाए, ना मरीज को रीअश्योर करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्फ्यूजन को स्टॉप करके है जो वाइटल्स चेक करना है और अपने नर्स इंचार्ज को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट इज द थ्री पीज ऑफ पेन मैनेजमेंट, आर पेन मैनेजमेंट के तीन पी कौन से हैं, पोस्चर, फिजियोलॉजिकल केयर एंड फार्माकोलॉजी, फिजिकल केयर, फिजियोलॉजिकल केयर एंड पोजिशन, फिजिकल केयर, फिजियोलॉजिकल केयर एंड फार्माकोलॉजी, या फिर फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर एंड फार्माकोलॉजी। पेन मैनेजमेंट के तीन पीज में से क्या है, फिजिकल केयर, साइकोलॉजिकल केयर एंड फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस एजेंट, आर तो इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट दैट कॉज डिसीज और इलनेस टू देयर होस्ट, न्यूक्लियर एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट दैट डू नॉट कॉज डिसीज और इलनेस, न्यूक्लियर एजेंट दैट डू नॉट कॉज डिसीज और इलनेस। इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट होंगे, मतलब उनमें लाइफ है, इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट है और जो डिसीज कॉज कर सकते हैं अपने होस्ट को। नेक्स्ट वन, पीपीई इज इम्प्लीमेंटेड टू, तो पर्सनल प्रोटेक्टिंग, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है पीपीई किट है, इसके लिए है, प्रोटेक्ट पेशेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, या फिर प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट फ्रॉम द रिस्क ऑफ रेडिएशन। पीपीई किट है जो क्यों पहनी जाती है, ताकि मरीज और जो हेल्थ केयर वर्कर है उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पेशेंट फ्रॉम रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
नेक्स्ट वन, विच यूजली रेयर कैंसर इज एसोसिएटेड विथ HIV? HIV वाले मरीज में रेयरली एक कैंसर हो सकता है, वो कौन सा है? एस्ट्रोसाइटोमा, मीजोथीलियोमा, पेनाइल कैंसर या फिर कापोसी सार्कोमा। तो जो एड्स वाले मरीज हैं उनमें जो कैंसर की कंडीशन बन सकती है साथ में होती है क्या? कापोसी सार्कोमा। कौन सी? कापोसी सार्कोमा। कॉमन HIV के साथ इन्फेक्शन होने का डर रहता है तो होता है ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट वन, द बटरफ्लाई रैशेस ऑफन सीन इन सम पीपल विद सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटस इज फाउंड इन। SLE वाले मरीजों में जो बटरफ्लाई रैसेस देखने को मिलते हैं नाक के यहाँ से दोनों चीक्स पर, तो यहाँ पर वो कहाँ देखने मिलते? बैक, लेग, फेस या फिर नेक? तो ये देखने मिलते हैं फेस पर। कहाँ पर? फेस पर। बटरफ्लाई रैसेस क्लासिकल साइन है किसका? SLE का। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस का कनेक्टिव टिश्यू में होने वाली प्रॉब्लम है ये। क्या है? बटरफ्लाई रैसेस दोनों चीक्स और नोज के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई रैसेस। कहाँ देखने मिलेंगे? फेस पर। नेक्स्ट वन, अस्थमा कैन बी ट्रिगर्ड बाय, तो अस्थमा के लिए ट्रिगर का काम क्या करेगा? हाउस डस्ट माइट, इमोशनल एनवायरमेंटल फैक्टर, इमोशनल फैक्टर्स ओनली, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ओनली। अस्थमा के लिए इमोशनली, मान लीजिए मरीज बहुत ज़्यादा रोग आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली हो गया है तो भी सांस लेने में स्पाज्म हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल में कुछ भी हो सकता है, डस्ट हो सकती है, माइट हो सकते हैं, पोलेंट्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या है? इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अस्थमा किसके, जो अस्थमा के लिए ट्रिगर का काम क्या करेगा? इमोशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर इंट्राक्रेनियल प्रेशर? ICP के लिए नॉर्मल, जो नॉर्मल ICP है वो कितना है? 0 to 15 mmHg, 25 mmHg, 35 to 45 mmHg, 120 to 80 mmHg। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ICP होता है 0 से 15 तक, कितना? 0 to 15 mmHg तक ही। नेक्स्ट वन, व्हेन अ पेशेंट हु हैज़ नोन एंजाइना पेक्टोरिस कंप्लेन दैट इज हैविंग चेस्ट पेन मोर ऑफन इवन व्हेन ही इज रेस्टिंग, द पीरियड ऑफ पेन इज लॉन्गर एंड इट टेक्स लेस स्ट्रेस फॉर द पेन टू हैपन, दिस इज नोन एज। तो जब मरीज एंजाइना पेक्टोरिस का मरीज है, कंप्लेन कर रहा है चेस्ट पेन, क्योंकि क्लासिकल साइन है एंजाइना का क्या? चेस्ट पेन। और जब वो रेस्ट करता है, जब उसको ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, द पीरियड ऑफ पेन इज लॉन्गर एंड इट टेक लेस स्ट्रेस फॉर द पेन टू हैपन, दिस इज नोन एज वेरियंट एंजाइना, अनस्टेबल रिफ्रैक्ट्री या फिर रिएक्ट्रेसिबल एंजाइना। कौन सा एंजाइना है? जब मरीज क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है, जब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लंबे टाइम तक होगा लेकिन फिर थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो ये कहलाएगा क्या? अनस्टेबल एंजाइनल पेन। क्या? अनस्टेबल एंजाइना पेन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर आयरन स्टोर? तो आयरन स्टोर के लिए कॉमन टेस्ट कौन सा है? सीरम कैल्शियम, सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन या फिर नन ऑफ द अबव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है आयरन स्टोर के लिए? वो सीरम फेरेटिन टेस्ट। कौन सा? सीरम फेरेटिन टेस्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सन विथ प्राइमरी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर? तो प्राइमरी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर वाले मरीज में ड्रग ऑफ चॉइस आप क्या देंगे? किस ड्रग से ट्रीट करेंगे उसे? डिगोक्सिन से, सोडियम वाल्प्रोएट, फेनिटोइन या फिर डाइजापाम से? कौन सी मेडिसिन से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं? तो होगी यहाँ पर सोडियम वाल्प्रोएट। क्या है? सोडियम वाल्प्रोएट। नेक्स्ट इज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस? तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बहुत पहले ही वन विथ डिवाइस के बताया था कि ये आपको आ सकता है इंसुलिन के लिए, जो इंसुलिन के वो जो पेन जैसी एक डिवाइस यूज़ क्यों की जाती है? जस्ट बिकॉज शॉर्टर इंजेक्शन टाइम, एक्यूरेट डोज डिलीवरी, लोअर कॉस्ट विथ रीयूजेबल इंसुलिन कैटरेट्स या फिर यूज ऑफ स्मॉलर गॉज नीडल। पेन लाइक इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस यूज करने का एम है कि एक्यूरेट डिलीवरी होना, जो एक्यूरेट डोज ऑफ डिलीवरी, जितनी ज़रूरत है उतनी एक्यूरेट है जो डोज है जो इंजेक्ट करना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गॉइटर? गॉइटर का कॉमन रीजन क्या है? आयोडीन डेफिशिएंसी, आयोडीन एक्सेस, क्वासी ओरकर या फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी?
गोइटर का जो कॉमन कॉज है वो है आयोडीन की कमी। क्या है? आयोडीन की कमी। नेक्स्ट वन, व्हाट लेंथ ऑफ द कैथेटर टिप शुड बी इंसर्टेड इनटू द रेक्टम फॉर गिविंग एनीमा टू एन एडल्ट पेशेंट। एडल्ट मरीज में एनीमा देते हैं तो जो कैथेटर की टिप है कितनी इंसर्ट करना है रेक्टम में? 2.5 to 5 centimeter, 5 centimeter to 7.5, 7.5 to 10 centimeter, या फिर 10.5 to 12। तो लेंथ आपसे पूछी गई है रेक्टम में कैथेटर टिप के लिए होगी 7.5 से 10 centimeter तक, 7.5 centimeter से 10 centimeter तक। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट क्या है? पोटेशियम सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर मॉर्फिन सल्फेट। क्या है हेपेरिन का एंटीडोट? तो हेपेरिन का एंटीडोट है प्रोटामाइन सल्फेट। क्या है? प्रोटामाइन सल्फेट। वारफेरिन का है विटामिन के। नेक्स्ट इज, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इन वूमेन क्लेमाइडिया कैन लीड टू। यदि किसी वूमेन को क्लेमाइडियल इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट नहीं किया जाता तो क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। क्या हो सकता है यदि उसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो? अनट्रीटेड छोड़ने के कारण क्या हो सकता है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज और PID डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ नो क्योर फॉर एक्जिमा सो ट्रीटमेंट टेंड्स टू। तो एक्जिमा है जो ट्रीटेबल नहीं है, सॉरी क्योर करने लायक नहीं है, आप क्या कर सकते ट्रीटमेंट का एम बना के? प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन, कंट्रोल और ईज द सिम्टम्स, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, या फिर इनकरेज टिश्यू रिजनरेशन। एक्जिमा का कोई क्योर नहीं है तो ऐसे केस में आप उसको क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, और जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच गॉज इंट्रावीनस कैथेटर इज कॉमनली यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कॉमन गॉज पूछा गया है कितना है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा? 19 गॉज, 22 गॉज, 24 गॉज, 26 गॉज। कितना होगा? तो यहाँ पर गॉज की बात की गई है, वो होगा आपका 19 गॉज। कितना? 19 गॉज। नेक्स्ट इज, इन विच कलर ऑफ डस्टबिन नर्स विल डिस्कार्ड द वायल ऑफ इंजेक्शन मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट कौन से वायल में इंजेक्ट किया जाएगा? वाइट, ब्लू, रेड, या फिर ग्रीन में? मीथोट्रेक्सेट वायल कौन से कलर के जो डस्टबिन है उसमें डिस्कार्ड करेंगे आप? तो वो होगा वाइट कलर का। कौन सा? वाइट कलर का। नेक्स्ट वन, आ सर्कुलेटिंग नर्स इज एंटीसिपेटेड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग रोल। यदि जो सर्कुलेटिंग नर्स है उसका जो रोल है वो क्या होगा? असिस्टिंग द सर्जन, काउंट ऑल स्पंज पोस्ट ऑपरेटिवली, परफॉर्मिंग सर्जिकल स्क्रब, या फिर वेरीफाइंग द कंसेंट। तो एक सर्कुलेटिंग नर्स का जो एक रोल होगा सबसे इम्पोर्टेंट होगा कंसेंट को वेरीफाई करना। क्या है? कंसेंट को वेरीफाई करना। नेक्स्ट वन, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हैज थ्री मेन कंपोनेंट्स। तो एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन में तीन मेन चीज़ें क्या होंगी? वर्बल, नॉन वर्बल, एम्बिएंट, लिसनिंग, आई कॉन्टैक्ट, रिस्पॉन्डिंग, पेइंग अटेंशन, पैराफ्रेजिंग एंड रिपोर्टिंग, या फिर सेंडर, रिसीवर एंड मैसेजर। क्या होगा यहाँ पर? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के तीन मेन कंपोनेंट सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज। क्या है? सेंडर, रिसीवर एंड मैसेज। जो सेंड करने वाला है, जिसने रिसीव किया, जो मैसेज आया, वो क्या है इस तरीके से? नेक्स्ट वन, इन नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज नर्स वुड नोट। एनजी ट्यूब जो नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज करते हैं तो आप क्या करेंगे? एसिडिटी ऑफ ड्रेनेज चेक करना है, ऑर्डर ऑफ ड्रेनेज, कलर, अमाउंट एंड टाइप, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज में आपको क्या चेक करना है? कलर, अमाउंट, और किस टाइप का आ रहा है जो ड्रेनेज बाहर होके आ रहा है, वो किस कलर का है, कितना अमाउंट है, वो क्या टाइप है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन अ क्लाइंट। कौन सा टर्म यूज किया जाएगा? नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम है और डेप्थ है जो क्लाइंट की नॉर्मल है। ईओपनिया, एपनिया, ब्रेड एपनिया, टेकेपनिया। टेकेपनिया का मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाना, ब्रेड एपनिया में कम हो जाना, एपनिया में स्टॉप हो जाना, सजेस्ट होना, और यूपनिया का मतलब है नॉर्मल।
तो यहाँ पर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रिदम पूछी है तो वो क्या है, वो यूपनिया। नेक्स्ट इज व्हेन रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर साउंड विच कैन बी हियर्ड विद द स्टेटोस्कोप प्लेस्ड ओवर द आर्टरी इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर जब आप बीपी चेक करते हैं तो स्टेटोस्कोप से आर्टरी के यहाँ रख के जो साउंड सुनते हैं वो क्या है, वीजिंग साउंड, मर्मर साउंड, क्रैकल साउंड या फिर कॉर्टिकोप साइन। ये कहलाता है कॉर्टिकोप साउंड। क्या है? कॉर्टिकोप साउंड, जो आपके हाथ के यहाँ पर रख के स्टेटोस्कोप के थ्रू जो सुना जाएगा या फिर बीपी चेक करते टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, कॉर्टिकोप साउंड। व्हेन केयरिंग फॉर द क्लाइंट विथ फीमोरल वीनस कैथेटर इट इज़ एसेंशियल फॉर द नर्स टू। तो यदि आप किसी पर्सन का अपने किसी क्लाइंट का फीमोरल वीनस कैथेटर क्या है यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या आपके लिए ज़रूरी है, फ्रिक्वेंट फ्लशिंग ऑफ कैथेटर विथ सलाइन, मेंटेन स्टराइल टेक्निक व्हेन वर्किंग विथ अ कैथेटर, असिस्ट द प्रेशर ड्रेसिंग फ्रिक्वेंटली फॉर द ब्लीडिंग या फिर लिमिट द मोबिलिटी ऑफ अफेक्टेड लिम। फीमोरल वीनस कैथेटर यदि आप चेक करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी फ्लश करना कैथेटर को सलाइन के साथ में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। MI का कॉमन सिम्टम क्या है, हेमरेज, एडिमा, डिस्निया या फिर चेस्ट पेन। चेस्ट पेन होता है, डिस्निया बाद में होगा, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो क्लिनिकल और क्लासिकल साइन है क्या होगा, चेस्ट पेन। नेक्स्ट वन, द स्नेलन चार्ट इज यूज्ड फॉर, तो स्नेलन चार्ट का यूज़ किसके लिए किया जाता है, मेजर इंट्राओक्युलर प्रेशर, ट्रोकोमेट्री इसके लिए यूज़ की जाती है, ना कि स्नेलन चार्ट, आई पेन, विजुअल एक्विटी, असेस द डिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के लिए सियारा चार्ट यूज़ किया जाता है, इसमें डॉट डॉट रहते हैं, अंदर कुछ नंबरिंग लिखी हुई होती है, लेकिन यहाँ पर विजुअल एक्विटी के लिए क्या यूज़ किया जाता है, स्नेलन चार्ट। क्या है, स्नेलन चार्ट। नेक्स्ट वन, द इंट्रा ऑपरेटिव फेज बिगन्स व्हेन, इंट्रा दैट मीन्स बीच की फेज, प्री, इंट्रा, पोस्ट। इंट्रा ऑपरेटिव फेज का मतलब क्या है, पेशेंट अराइव इन द थिएटर डिपार्टमेंट, पेशेंट लीव्स द रिकवरी रूम, पेशेंट अराइव इन द ऑपरेटिंग थिएटर या फिर सर्जन मेक्स द फर्स्ट इंसीजन। फर्स्ट इंसीजन वाला तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट इंसीजन मतलब सर्जरी होने लगी। इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब है कि जब मरीज OT में लाया गया है तब, प्री मतलब है जो बिफोर सर्जरी, पोस्ट मतलब आफ्टर द सर्जरी। यहाँ पर इंट्रा ऑपरेटिव का मतलब है जब मरीज ऑपरेटिंग थिएटर में और ऑपरेशन रूम में लाया गया हो, तो यहाँ पर OT में लाया गया हो मरीज, वो क्या कहलाएगा, ड्यूरेशन, पेशेंट अराइव्स इन द ऑपरेटिंग थिएटर, दैट मीन्स इंट्रा ऑपरेटिव फेज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन एन IV इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट्स। यदि IV इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट हो जाए तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, एलिवेट द साइट, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन, अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूब, अप्लाई वार्म्थ मॉइस्ट कंप्रेस्ड। क्या करेंगे आप, IV इन्फ्यूजन इन्फिल्ट्रेट हो रहा है तो इन्फ्यूजन को क्या कर देंगे आप, डिसकंटिन्यू करेंगे, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन। नेक्स्ट वन, कलर कोडिंग फॉर नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए कौन सा कलर कोड इस्तेमाल करेंगे, ब्लैक, ब्लैक विथ वाइट शोल्डर, फ्रेंच ब्लू या फिर ग्रे। ब्लैक विथ वाइट शोल्डर होता है ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रस ऑक्साइड के लिए होता है फ्रेंच ब्लू, हंसाने वाली गैस है जो। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड डायग्नोस्ड विथ रूमेटिक फीवर विल मोस्ट लाइकली हैव अ हिस्ट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे को यदि रूमेटिक फीवर है तो उसकी हिस्ट्री क्या रहेगी, सिबलिंग डायग्नोस्ड विद सेम डिसीज, रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रशिंग ऑफ इजीली, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। रूमेटिक फीवर होने का रीजन होगा बार बार फेरेंजाइटिस या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होना। क्या है, थ्रोट इन्फेक्शन का होना, रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हैज बीन डायग्नोस्ड विद हाइपरटेंशन, द प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोज विद बी। यदि मरीज का BP बढ़ा हुआ है तब आप क्या करेंगे, डायग्नोस क्या बनेंगे, इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, डिफिकल्टी फ्लूड वॉल्यूम या फिर पेन। मरीज का BP बढ़ेगा तो यहाँ पर आपका क्या होगा, हेल्थ मेंटेनेंस, इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस। नेक्स्ट वन, अ प्रेग्नेंट वुमेन इन लेबर इज 9 cm डायलेट एंड वॉन्ट्स टू पोस्ट द नर्स शुड।
यदि प्रेग्नेंट क्लाइंट है, लेबर के लेबर पेन में 9 सेंटीमीटर डायलेटेशन ऑलरेडी हो चुका है, पुश करना चाह रही है, तो आप क्या करेंगे? हैव अर पेंट ब्लो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, प्लेस अर लेग्स इन स्ट्रेप्स टू फैसिलिटेट पुशिंग, इनकरेज हर टू बियर डाउन विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन, रिव्यू द पुशिंग टेक्निक थॉट इन एंटीनेटल क्लिनिक। तो यहाँ पर क्लाइंट 9 सेंटीमीटर ऑलरेडी डायलेटेड है, पुश कर रही है, दैट मीन्स यहाँ पर बेबी बाहर आने ही वाला है, तो आपको क्या करना है? हैव हर पैंट्स ब्लो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एंटीनेटल चेकअप अ क्लाइंट आस्क द नर्स व्हाई मेंस्ट्रुएशन सजेस्ट वंस प्रेगनेंसी अकर्स। नर्स बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी दैट दिस अकर्स बिकॉज ऑफ द, आपके पास कोई एक मरीज है वो आके पूछे कि जब भी बच्चा कंसीव होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो पीरियड्स आना स्टॉप क्यों हो जाते हैं? तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे? एज अ नर्स क्या कहेंगे? रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन बाय द ओब्रीज, प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बाय द ओब्रीज, सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द पिट्यूटरी, या फिर सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओब्री। प्रेगनेंसी में पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं, इसका रीज़न है कि ओबरी है जो हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देती है, किसके कारण? रिडक्शन इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय द ओबरीज, इसीलिए पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अ क्लाइंट हु हैज मिस्ड टू मेंस्ट्रुअल पीरियड इज कंप्लेनिंग ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग एंड वन साइड लोअर क्वाड्रेंट पेन, द नर्स सस्पेक्ट दैट क्लाइंट हैज। यदि मरीज के दो मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या है, मिस हो गए, लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगी, आफ्टर दैट एक साइड लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, क्या हो सकता है? एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, या फिर रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। टू मिस्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन एक साइड, वन साइड लोअर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है, तो ये हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या हो सकता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट्स एमनियोटिक फ्लूड, द नर्स डिसाइड दैट इट अपीयर्स नॉर्मल बिकॉज इट इज। सीधा सा क्वेश्चन है, एमनियोटिक फ्लूड का नॉर्मल कलर पूछा है कैसा होगा? क्लियर डार्क अम्बर कलर्ड कंटेनिंग थ्रेड्स ऑफ म्यूकस, बिल्कुल भी म्यूकस नहीं रहेगा यदि एमनियोटिक फ्लूड नॉर्मल है तो, मिल्की ग्रीनिश येलो कंटेनिंग थ्रेड्स ऑफ म्यूकस तो भी नहीं रहेगा, क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस कंटेनिंग लिटिल वाइट स्पैक्स, तो यहाँ पर ये रह सकता है। जो एमनियोटिक फ्लूड का नॉर्मल कलर होगा कलरलेस होता है, क्लियर होगा, कुछ वाइट स्पैक्स हैं जो हो सकते हैं, बाकी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा, न तो येलो होगा, न ग्रीन होगा, न क्लाउडी होगा, कैसा होगा? क्लियर एंड कलरलेस। नेक्स्ट वन, नर्स ऑब्टेन्स अ स्पेसिमेन ऑफ क्लियर नेजल ड्रेनेज फ्रॉम द क्लाइंट विथ हेड इंजरी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डिफ्रेंशिएट म्यूकस फ्रॉम द CSF, म्यूकस है या CSF है, क्या है, कौन से टेस्ट से पता चलेगा? हेड इंजरी के बाद स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया नेजल ड्रेनेज के थ्रू, नेजल नाक से जो पानी आ रहा है उससे कैसे पता चलेगा कि ये म्यूकस ही आ रहा है या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड है, क्योंकि हेड इंजरी वाला मरीज है, इसलिए प्रोटीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्लूकोज या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसके कारण पता चलेगा कि ये म्यूकस है या के द्वारा, किसके द्वारा? ग्लूकोज के थ्रू, म्यूकस में ग्लूकोज रहेगा जबकि CSF में ना के बराबर, तो यहाँ पर जो टेस्ट डिफ्रेंशिएट करेगा वो क्या होगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट वन, द थेरापीटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द क्लाइंट विथ प्री एक्लेम्सिया डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, तो यहाँ पर थेरापीटिक इफेक्ट है जो MgSO4 का, यदि प्री एक्लेम्सिया के मरीज को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट दी गई है, कौन से क्या करके पता चलेगा कि ये थेरापीटिक इफेक्ट है या फिर ओवरडोज हो रही है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर से डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट्स, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, या फिर डिक्रीज यूट्राइन इरिटेबिलिटी, किससे पता चलेगा? थेरापीटिक इफेक्ट है जो मैग्नीशियम सल्फेट का, वो पता चलेगा किससे? इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट से, किससे? इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट से। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अ प्रेग्नेंट वुमेन कंप्लेन ऑफ फ्रिक्वेंट नोजिया वॉमिटिंग, द नर्स टीच द वुमेन बेस्ट टू रिड्यूस दिस बाय। प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में, पहले ट्राइमेस्टर में आपकी क्लाइंट को नोजिया वॉमिटिंग होता है, तो आप उसको क्या कहेंगे कि किससे कम हो सकता है? ईटिंग अ पैट ऑफ बटर बिफोर राइजिंग, ईटिंग स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील्स,
टेकिंग स्मॉल सिप्स ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट मिक्सर, ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ 40 एंटल नोजिया सबसाइड। चाय तो अवॉइड करने के लिए कही जाती है प्रेगनेंसी में। यहाँ पर आपको बटर खाने के लिए भी आप लिमिटेड कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कम लेकिन बार बार फ्रिक्वेंट मील्स लीजिए, लेकिन कम कम खाइए। इसके कारण नोजिया वॉमिटिंग में आपको है जो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। ईट स्मॉल बट फ्रिक्वेंट मील्स, प्रेगनेंसी में जो नोजिया वॉमिटिंग होती है कहलाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन इज एसोसिएटेड विथ ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब, तो ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के है जो कॉम्प्लिकेशन क्या है? इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व। क्या होगा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के कारण? तो होगा डैमेज टू द लैरिंजियल नर्व। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन पूछा है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के कारण लैरिंजियल नर्व है जो डैमेज हो सकती है। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ECTR, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज, फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड बोन्स, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, या फिर टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कन्फ्यूजन। क्या हो सकता है कॉमन साइड इफेक्ट हो सकता है ECT का? कि टेम्पररी मेमोरी लॉस हो सकती है, कन्फ्यूजन भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय, तो बॉडी का टेम्परेचर कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, ब्रेन स्टीम, या फिर सेरिब्रम। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन, विच केमिकल इज यूज टू क्लीन द फर्नीचर इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में फर्नीचर क्लीन करने के लिए क्या यूज़ किया जाए? ग्लूट्रेल्डिहाइड, सेवलॉन, बीटाडीन, या फिर ANB, मतलब ग्लूट्रेल्डिहाइड और सेवलॉन। तो जो सॉल्यूशन और केमिकल यूज़ किए जाते हैं फर्नीचर क्लीन करने के लिए होता है ग्लूट्रेल्डिहाइड एंड सेवलॉन, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाइल क्लीनिंग द आई ऑफ पेशेंट व्हाट एक्शन नर्स शुड फॉलो, यदि आप किसी मरीज की आँखें साफ करते हैं तब आपको क्या करना है? वॉश द हैंड, क्लीन आई फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, क्लीन आई फ्रॉम आउटर कैंथस टू इनर कैंथस, या फिर ANB। जब भी आपको किसी भी पेशेंट की आंखें साफ करनी है तो सबसे पहले आपके खुद के हाथ साफ होने चाहिए, और हमेशा इनर टू आउटर करना है। आउटर टू इनर करेंगे तो जो बैक्टीरिया वायरस है वो आँखों में चले जाएंगे, और इनर टू आउटर करेंगे तो आँखें हैं जो क्लीन की जाएंगी। इस तरीके से आप इनको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉश हैंड एंड क्लीन आई फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, तो हियर इज द राइट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन, बैन एडमिनिस्ट्रिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन टू अ 4-month-old चाइल्ड, द बेस्ट इंजेक्शन साइट टू यूज वुड बी, बच्चे की उम्र 4 महीने मतलब इन्फेंसी पीरियड में IM इंजेक्शन के लिए जो मसल पूछी है वो क्या है? वास्टस लेटरलिस, वेंट्रोग्लूटियल, डॉर्सोग्लूटियल, या फिर डेल्टॉइड। जो बेस्ट मसल है इन्फेंसी पीरियड में इंजेक्शन इंजेक्ट करने के लिए वो होती है वास्टस लेटरलिस मसल। नेक्स्ट वन, द नर्स इज अवेयर दैट द अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन अनकॉन्सियस क्लाइंट इज, मरीज बेहोश है तो यहाँ पर हाइपोक्सिया का साइन क्या होगा? साइनोसिस, इंक्रीज रेस्पिरेशन, हाइपरटेंशन, या फिर रेस्टलेसनेस। अनकॉन्सियस मरीज का जो साइन होगा वो होगा रेस्टलेस। क्वेश्चन, अ फीमेल क्लाइंट इज रिसीविंग IV मैनिटॉल, एन असिस्मेंट स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेड ड्रग इज, तो मैनिटॉल दिया जा रहा है किसी क्लाइंट को, तो यहाँ पर मैनिटॉल के बाद आप क्या चेक करेंगे? वाइटल साइन, 4-hourly, वेट चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट करेंगे, कि लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस हर 4 घंटे में चेक करेंगे, क्या करेंगे आप? मैनिटॉल डायरेटिक्स है, ये दिया जा रहा है, दैट मीन्स आपको यूरिन आउटपुट चेक करना है, यूरिन पास कर पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट इज, द नर्स कलेक्ट्स डेटा इन बिलोंग बिगन्स टू डेवलप अ ट्रस्ट रिलेशनशिप विद द पेशेंट इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यदि नर्स डेटा कलेक्ट करती है और एक रिलेशनशिप मेंटेन करती है अपने पेशेंट से, तो ये क्या है? ट्रस्ट डेवलप करती है, तो ये क्या है? असेसमेंट है, प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, कि इवैल्यूएशन है? डेटा कलेक्ट होता है असेसमेंट फेज में, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? असेसमेंट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द नर्स टू बी यूज्ड इन क्राइसिस काउंसलिंग, क्राइसिस काउंसलिंग के लिए
बेस्ट अप्रोच कौन सा होगा, रीअश्योरिंग एंड स्टे विथ क्लाइंट, पैसिव लिसनिंग, एक्सप्लोर अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, एक्टिव विथ फोकस ऑन करेंट सिचुएशन। क्राइसिस, किसी भी चीज़ की क्राइसिस को लेकर, जॉब चली गई मान लीजिए क्लाइंट की, क्या कोई रिलेटिव की डेथ हुई, कुछ भी हो गया जो क्राइसिस है, तो यहाँ पर आप एक्टिव और फोकस जो सिचुएशन है उस पर फोकस करते हुए उसकी काउंसलिंग करेंगे। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, तो डिमेंशिया का रीजन क्या है, मल्टी इन्फार्क्ट, हाइपोथायरॉयड, अल्जाइमर, लेवी बॉडी डिमेंशिया, क्या है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीज है, अल्जाइमर डिसीज। नेक्स्ट वन, नेलॉक्सॉन इज यूज टू ट्रीट द ओवरडोज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नेलॉक्सॉन किसके ओवरडोज को ट्रीट करने में यूज होती है, एल्कोहल, ओपियोइड, कैनाबिस या फिर कोकीन। नेलॉक्सॉन का यूज किया जाता है ओपियोइड ओवरडोज के लिए या फिर एंटीडॉट के तौर पर, ओपियोइड्स एंटीडॉट के तौर पर यूज किया जाता है क्या, नेलॉक्सॉन। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट टेकिंग लिथियम कार्बोनेट रिपोर्ट वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लड विजन, टिनिटस एंड ट्रिमर्स, द सीरम लिथियम लेवल इज 2.5 mEq/L, नर्स इंटरप्ट्स दिस लेवल इज, यहाँ पर मरीज लिथियम कार्बोनेट ले रहा है, उसको वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है, कानों में घंटियाँ सी बज रही हैं, ट्रिमर्स मतलब झटके से आ रहे हैं हाथों में, यहाँ पर सीरम लिथियम का लेवल चेक किया तो वैल्यू कितनी निकली, 2.5 mEq/L, तो ये क्या है, टॉक्सिक है, नॉर्मल है, स्लाइटली अब नॉर्मल है कि एक्सेसिव बिलो नॉर्मल है, क्या है लक्षण बताए गए हैं, सब टॉक्सिसिटी के हैं, किसके हैं, टॉक्सिसिटी के हैं, 2.5 से ज़्यादा हो गया जो 1 के कम ही रेंज में रहता है, टिनिटस हो रहा है, ट्रिमर्स हो रहे हैं, उल्टी दस्त हो रहे हैं, तो ये सभी क्या है, टॉक्सिक हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, टॉक्सिक। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल केयर व्हेन केमिकल बर्न इज सस्पेक्टेड, यदि मरीज को केमिकल मतलब कुछ केमिकल गिरने के कारण बर्न हुआ, एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अब क्या करेंगे, इमीडिएट कवर द बर्न एरिया, एक्सेसिव फ्लशिंग विथ वाटर फॉर 20 to 30 minutes, रिमूव ऑल द ड्रेसिंग फॉर रिलैक्सेशन, प्रोवाइड द कॉम इन्वायरमेंट टू द पेशेंट। यदि कोई केमिकल बर्न हुआ है, कुछ केमिकल से बर्न हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसके ऊपर पानी से कंटिन्यूसली, टैप वाटर अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी बात, तो नहीं है तो कंटिन्यूसली एक्सेसिव बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी के थ्रू उसको फ्लश है जो कर सकते हैं, ताकि स्किन पर जहाँ पर भी गिरा है उसका असर कम हो सके। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, एक्सेसिव फ्लशिंग विथ वाटर फॉर 20 to 30 minutes। नेक्स्ट वन, द ऑर्डर डोज ऑफ एमेप्राजोल इज 40 mg, द अवेलेबल लिक्विड फॉर्म हैज कंसनट्रेशन ऑफ 20 mg/ml, हाउ मेनी ml शुड द नर्स एडमिनिस्टर। यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 ml, कितना 10 ml। वॉट इज द टर्म यूज फॉर हाई पिच म्यूजिकल साउंड इन क्लाइंट ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी असेसमेंट, हाई पिच म्यूजिकल साउंड कौन सा है, ऑप्शन में क्रोइक, वीजिंग, स्ट्राइडर, FSI, जो हाई पिच साउंड होगा वो क्या है, तो हाई पिच साउंड यहाँ पर होगा क्या, वीजिंग साउंड। नेक्स्ट वन, इन ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सेप्ट, तो ब्रेन डेथ में सब कुछ देखने को मिलेगा किसी एक के छोड़कर, डायबिटीज इंसिपिडस, एपनिया, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन, क्या है जो देखने को नहीं मिलेगा, तो वो होंगी कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल, क्या होंगी, डायलेटेड होती हैं प्यूपिल ना कि कॉन्स्ट्रिक्टेड होती हैं, मरीज जो ब्रेन डेथ होगा तो क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स देखने को नहीं मिलेंगी, डायलेट होंगी। नेक्स्ट वन, एट्रोपिन सल्फेट इज कॉन्ट्राइडिकेटेड इन ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट, एट्रोपिन सभी केसेस में क्या है, एट्रोपिन सल्फेट सभी केस में कॉन्ट्राइंडिकेट है किसी एक को छोड़कर, हाई ब्लड, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, ग्लूकोमा या फिर UTI, एट्रोपिन सल्फेट सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इन ग्लूकोमा। नेक्स्ट है, नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट फ्लूड शिफ्ट इन अ क्लाइंट विथ बर्न इंजरी रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज्ड इन द, तो यहाँ पर नर्स चेक करती है कि फ्लूड शिफ्ट हो रहा है बर्न इंजरी से, तो यहाँ पे क्या करना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सर्कुलेटिंग होल ब्लड, टोटल वॉल्यूम ऑफ इंट्रावेस्कुलर प्लाज्मा, परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल्स या फिर परमिबिलिटी ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, तो यहाँ पर फ्लूड शिफ्ट हो रहा है बर्न इंजरी के कारण, तो होगा परमिबिलिटी ऑफ कैपिलरी वॉल।
नेक्स्ट इज अ हस्बैंड कम्स होम आफ्टर अ बैड डे एट वर्क एंड एल्स एट हिज वाइफ. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म. कोई पति आता है अपने उसका जो ऑफिस में दिन अच्छा नहीं निकला, घर आके अपनी वाइफ को चिल्लाता है, तो ये किस तरीके की डिफेंस मैकेनिज्म है. रेशनलाइजेशन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट या फिर रिप्रेशन. ऑफिस में चिल्लाएगा तो जॉब जाएगी, घर पे आके वाइफ पे अपनी गुस्सा निकालेगा, वो कहलाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट. लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन डायग्नोस्ड विथ यूरेमिक सिंड्रोम हैज द पोटेंशियल टू डेवलप कॉम्प्लिकेशन. विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स एंटिसिपेट. यूरेमिक सिंड्रोम वाला मरीज है तो यहाँ पर क्या साइन देखने को मिलेंगे, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर, एलिवेटेड हीमेटोक्रिट वैल्यू, हाइपोटेंशन, हाइपोकैलेमिया. यूरेमिक सिंड्रोम वाले मरीज के जो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन के कारण जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो होगा यहाँ पर फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स. क्या होंगे, फ्लैपिंग हैंड ट्रिमर्स. तो ये था आपका पंजाब का पेपर. आई होप आपके लिए पेपर अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो. ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर पंजाब वाले इस पेपर को देखें, इस पेपर को हर एक कैंडिडेट देख सकता है जो अपकमिंग पेपर देने वाले हैं. और आप इस पेपर को जो रिसेंट में क्लासेस चल रही हैं उनसे ज़रूर एक बार मैच करना, अपने CHO के पेपर्स में मैच करना, कितने क्या क्वेश्चन मैच कर रहे हैं 90 क्वेश्चंस में से. तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी. और जो भी लोग पेपर्स PDF परचेस करना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.